नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से किट्टू बावर्ची यूट्यूब चैनल में। और आज हम बनाने जा रहे हैं दही गोभी की एक सब्ज़ी, जो कि बनाने में बहुत ही ईजी है और टेस्ट भी इसका लाजवाब है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले स्टेज में हम गोभी के फ्लोरेट्स काट लेंगे छोटे छोटे और इनको एक प्लेट में डाल लेते हैं। और साथ ही हम इसमें कुछ मसाले मिक्स करेंगे और इसको फ्राई करेंगे शैलो फ्राई। इसके लिए सबसे पहले हमने लिया है सरसों का तेल, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर और साथ ही इसमें जाएगा ये थोड़ा धनिया का पाउडर और इसके साथ ही इसमें आएगा ये थोड़ा हल्दी का पाउडर और साथ में हम देंगे थोड़ा सा नमक। इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको हम रखेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। ऐसे ही खुले में थोड़ा सा मसाले इसमें सीख जाएंगे, इससे इसका टेस्ट भी अच्छा होगा और गोभी जो है वो थोड़ा सा पानी छोड़ देगा, हल्का सा मुलायम हो जाएगा और टूटेगा नहीं फ्राई करने में। दूसरे स्टेप में हम दही का एक घोल बनाएंगे जिससे हम इसकी करी को बनाएंगे। इसके लिए हमने ले लिया है ये दही, एक कप के करीब। इसमें हम थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा धनिया का पाउडर और साथ ही इसमें थोड़ा सा हल्दी का पाउडर मिलाएंगे और इसके साथ ही इसमें आएगा हल्का सा गरम मसाला। गरम मसाले के साथ ही इसमें आ जाएगा थोड़ा सा हींग और ये आएगा 2 चम्मच के करीब बेसन। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे दही के साथ सारी चीज़ों को। अगर ज़रूरत समझ में आए तो इसमें थोड़ा सा पानी मिला लें और इसको एक अच्छा सा घोल बना कर तैयार करें। घोल बनाने के बाद इसमें लम्स नहीं होने चाहिए दही में, नहीं दही फटने का डर होता है। इसको हम रखते हैं एक तरफ और आते हैं अगले स्टेप की तरफ। एक कढ़ाई गर्म करेंगे और कढ़ाई में हम लेंगे सरसों का तेल 3 चम्मच के करीब। तेल को जैसे ही गर्म होता है हम इसमें अपने मैरिनेट किए हुए गोभी को शैलो फ्राई करेंगे। आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं जैसी आपकी इच्छा। तो 3 से 4 मिनट के लिए एक तरफ और फिर पलट के इसको 3-4 मिनट के बाद दूसरी तरफ 3 से 4 मिनट के लिए गोभी को अच्छे से पका लेंगे हम। तो देखिए देखिए अभी गोभी 3 से 4 मिनट हो गया है, मैं इसको पलट देता हूँ कोशिश करके आराम से। तो कितना अच्छा इसके कलर आ रहा है गोभी को, अच्छा ब्राउन कलर। जैसे ही 3 से 4 मिनट हो जाएगा दूसरी तरफ से भी इस गोभी को हम निकाल लेंगे एक प्लेट में और साइड में रख लेंगे। चलते हैं अगले स्टेप की तरफ और इसी तेल में हम ये डालेंगे थोड़ा सा कुछ गरम मसाला। This just hurt me. Just think about it, but you hold me. That you don't wanna break. I need some space. Just think about it.